हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द अनदर यूट्यूब वीडियो। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं माल्टा में डिलीवरी की जॉब या फिर कैब की जॉब लेने के लिए आपको क्या प्रोसेस होगा, क्या इनकी रिक्वायरमेंट होती है, कैसे आप पूरा प्रोसेस करोगे। इस पूरे प्रोसेस को समझाने के लिए पहले आपको यहाँ का प्रोसेस समझना होगा कि एक्चुअल में यहाँ की जो डिलीवरी की जॉब होती है वो काम कैसे करती है। क्योंकि देखो, एक नॉर्मल सा प्रोसेस अगर मैं आपको बताऊं कि हम लोग जैसे इंडिया में हमारे जोमैटो चलती है, रैपिडो चलती है, जो भी वहां पर सर्विसेज चलती हैं, उनमें क्या प्रोसेस होता है कि आप डायरेक्ट कंपनी की वेबसाइट पे जाते हो, आपके पास एक ट्रांसपोर्ट अपना जो व्हीकल होता है आप उसके वहां पर रजिस्ट्रेशन कराते हो, और उस रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको वहां से जॉब मिल जाती है। इन द केस वो फ्रीलांसर की जॉब होती है, और इस फ्रीलांसर में आप जितना मर्जी घंटे काम करोगे आपके उसके हिसाब से अर्निंग होती है। लेकिन अगर आप माल्टा में ये प्रोसेस करोगे ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि माल्टा का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अब डिफरेंट क्या है इसमें, देखो जब भी आप इंडिया से यहाँ पर आते हो या फिर आप इंडिया में ही अप्लाई करते हो जॉब, तो आप क्या करोगे, आप लोग डायरेक्ट अप्लाई करोगे, यहाँ पर दो कंपनी चलती है, बोल्ट और वोल्ट, आप वहाँ उनकी वेबसाइट पर जाओगे डायरेक्ट वहाँ पर अप्लाई करोगे, तो वहाँ से आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो जॉब लेने का इजी तरीका क्या है उसका मैं पूरा डिटेल में आप लोगों को बता रहा हूँ इसके बारे में कि आपको कैसे पूरा प्रोसेस करना है, तभी आपको यहाँ से जॉब मिलेगी डिलीवरी बॉय की, अदरवाइज आपको जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ का प्रोसेस समझिए पहले कि यहाँ का प्रोसेस कैसे काम कर रहा है। यहाँ पर क्या होता है कि जो डिलीवरी की जो कंपनी है बोल्ट और वोल्ट, वो डायरेक्ट हायरिंग नहीं करती, उन्होंने बीच में कुछ कोऑर्डिनेटर लगा रखे हैं, उन्हें हम फ्लीट बोलते हैं। माल्टा में बहुत सारे लोग एज अ फ्लीट काम करते हैं, जिनके पास अपनी स्कूटी होती है, अपना सारा मतलब जो भी उनके पास कैब वगैरह हो गई वो अपना सारा कुछ देते हैं, हम अपनी तरफ से रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। तो मुझे अगर डिलीवरी की जॉब चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, मुझे किसी ऐसे फ्लीट को ढूंढना होगा जो फ्लीट बोल्ट या बोल्ट से अटैच हो और वो मुझे अपनी वहां पर जॉब देने के लिए तैयार हो। और ये जो जॉब होती है ये डिपेंड करती है फ्लीट पर कि वो आपको ऐसा 50-50 बेसिस पे दे रहे हैं या फिर आपको वो घंटे के हिसाब से पे कर रहे हैं। अब जैसे मोस्टली केस में क्या होता है, जो फूड डिलीवरी की जॉब होती है वो 60-40 के बेस पर डिपेंड होती है कि जितना भी आप दिन में अर्न करोगे उसका 60% आपका, 40% आपके फ्लीट का, उसमें जो फ्यूल है वो आपका लगेगा लेकिन जो स्कूटी होती है वो फ्लीट की होती है, तो इस हिसाब से डिवाइड होता है। अगर कैब की बात करें तो कैब में क्या होता है, उसमें 50-50 बेसिस होता है, कैब जो होती है वो आपके फ्लीट की होती है, उसमें जो पेट्रोल लगता है या डीजल लगता है वो आपके पैसे से लगेगा ना कि फ्लीट के पैसे से, तो वो 50-50 बेसिस पे होती है। सेकंड तरीका क्या है कि वो आपको घंटे के हिसाब से पे करते हैं। जो फूड डिलीवरी की जॉब के लिए है वो मोस्टली आपको 5 या 6 यूरो घंटे के हिसाब से पे करेंगे, कुछ लोग कम भी करते हैं कुछ लोग ज्यादा भी कर देते हैं, बात पर होती है कि आप वहाँ उनको कितने रिक्वायरमेंट है और किस तरह के पर्सन आप हो, उसके हिसाब से वो आपको जॉब देंगे, घंटे के हिसाब से दे सकते हैं या फिर जो उनका मार्जिन होता है 60-40 का उसके हिसाब से भी दे सकते हैं। सेकंड, जो कैब वाले भी होते हैं उनका भी घंटे के हिसाब से भी पे होता है और उनका 50-50 बेसिस पे भी होता है। जो कैब की जॉब मिलती है वो 7 यूरो पर आवर के हिसाब से मिलती है। अगर मान लो आप 10 घंटे काम करते हो और आपको 7 यूरो पर घंटे के हिसाब से मिलते हैं तो आपके बनते हैं 70 यूरो, तो 70 यूरो टोटल के टोटल आपके हैं, उसमें आपके फ्लीट का जो पेट्रोल है और जो गाड़ी है वो आपके फ्लीट की होगी, उसमें आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ घंटे के बेसिस पे हिसाब से काम कर रहे हो, और ना ही उसमें ऐसा है कि आपको कोई टारगेट पूरा करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यार टारगेट भी होता है कि आपको एटलीस्ट 600 यूरो एक वीक में आपको कमाने हैं, मतलब कैब के थ्रू या फूड के थ्रू, तो वो टारगेट भी उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको टारगेट देंगे या नहीं देंगे। बट मोस्टली केस में ये फूड की जब आइटम होती है उनमें होता है कि टारगेट आपको पूरा करना है, अदरवाइज जो कैब की सर्विस है कैब सर्विस में कोई टारगेट नहीं होता है। ठीक है, और इसमें अगर आप अर्निंग की बात करो तो मोस्टली जो मतलब मैंने तजुर्बे से देखा है, मैंने अपने जो मैंने लोगों से सुना है, जो फूड डिलीवरी वाले हैं वो 1,000 से 2,000 के बीच में कमा सकते हैं। अब कुछ लोग 10 घंटे भी काम करते हैं, कुछ लोग 15 घंटे भी काम करते हैं, वो काम के ऊपर डिपेंड होता है, और ये भी डिपेंड करता है ना कि इस टाइम काम चल रहा है या नहीं चल रहा है। क्योंकि देखो क्या होता है ना कि जो वीक डेज होते हैं उनमें काम कम चलता है, जो वीकेंड्स होते हैं उनमें काम ज़्यादा चलता है, तो इन दोनों अर्निंग ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि इनकी जो जॉब है वो किस हिसाब से चलती है। तो अगर आप लोगों को जॉब चाहिए तो आप लोग कैसे ढूंढोगे इस जॉब को और रिक्वायरमेंट्स क्या है। देखो, इंटरनेशनल आपका लाइसेंस तो होना ही चाहिए, वो तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है,
यहाँ फिर आपको वो चेंज कराना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो नए रूल आए हैं उनके रूल के हिसाब से आपको यहाँ का लाइसेंस लेना ही होगा। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि आप लोगों को मैं कुछ ग्रुप्स बताता हूँ जो आप लोगों को ये जॉब प्रोवाइड करा सकते हैं। ये एक तरीके से फ्लीट का काम करते हैं। पहले 3 मैं आप लोगों को फूड डिलीवरी के लिए बताऊंगा, बाकी जो 4 हैं वो मैं सभी जॉब्स के लिए बताऊंगा कि जो भी यहाँ पर अपनी जॉब अप्लाई करना चाहते हैं वो किसी भी ग्रुप में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले नाम आता है WFDM। ये एक प्राइवेट रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो कि पैसे लेती है आप लोगों को काम देने के लिए। तो इनकी वेबसाइट है, वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सभी जो जितने भी मतलब ग्रुप्स में आप लोगों को बताएंगा सबकी वेबसाइट मैं डाल रहा हूँ अपने डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर आप चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया WFDM लिमिटेड, जो कि एक प्राइवेट रिक्रूटमेंट एजेंसी है। सेकेंड मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ओजो ग्रुप। ओजो ग्रुप भी बहुत सारी हायरिंग करती है, ये फूड डिलीवरी में नहीं है मतलब, बाकी सब में ये आप लोगों को हायर कर सकती है। तो कोई भी पर्सन किसी भी जॉब में अगर अप्लाई करना चाहता है तो आप अप्लाई कर सकते हो। थर्ड है WT ग्लोबल। WT ग्लोबल आपको फूड डिलीवरी में हायरिंग करती है, और बाकी जो मतलब जॉब्स होती हैं क्लीनर की होगी या वेटर की होगी, इन जॉब्स में भी वो रिक्रूटमेंट करती है, लेकिन फूड डिलीवरी में WT ग्लोबल का नाम आता है। ठीक है, इसके बाद है रीड रिक्रूटमेंट एजेंसी। इन सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहां जाकर डायरेक्ट चेक कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो फोर्थ है रीड रिक्रूटमेंट एजेंसी, ये अभी नई सुनी है मैंने, अभी थोड़ा सा नाम इसका चर्चा में आ रहा है यहाँ पे, लेकिन इनकी इनसे जो फीडबैक मिला है वो बहुत अच्छा मिला है लोगों का मतलब मुझे। तो रीड रिक्रूटमेंट एजेंसी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ये भी हायरिंग कर रहे हैं अभी के टाइम पे। इसके बाद फिफ्थ जो आता है वो है एम रिक्रूटमेंट एजेंसी। एम रिक्रूटमेंट एजेंसी काफी पुरानी है और ये भी यहाँ पर हायरिंग करती है, और ये रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है ये सभी चीजों में हायर करती है, फूड में ही नहीं बाकी जो भी अदर जॉब्स होती हैं उनमें भी ये जो ग्रुप है ये हायर करता है। इसके बाद सिक्स जो है वह है JF ग्रुप। JF ग्रुप काफी रेप्यूटेड ग्रुप है, यहाँ पर सिक्योरिटी की जॉब और ऐसी बहुत सारी जॉब आपको मिल जाएंगी, नैनी की जॉब मिल जाती है, क्लीनर की जॉब मिल जाती है, बहुत सारी जॉब आपको यहाँ पर मिलेंगी, JF ग्रुप में आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद सेवन्थ है SEEK ग्रुप। अब जो ये SEEK ग्रुप है ये नया है, नया तो नहीं है बट हाँ इसके बारे में अभी चर्चा में आ रहे हैं, ये भी शुरू हुआ है SEEK CEEK। ये एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो कि हायरिंग कर रही है अभी के टाइम पे बहुत सारे लोगों को, इंटरनेशनली भी लोगों को हायर कर रही है, तो आप यहाँ पर भी ट्राई कर सकते हो। और एक ग्रुप मैं आपको बोनस के तौर पे बताता हूँ जो कि सिक्योरिटी की जॉब के लिए और क्लीनर की जॉब के लिए काफी फेमस है, वो है G4S। G4S सिक्योरिटी ऐसा कुछ नाम है उसका, आप G4S माल्टा सर्च करोगे तो आप लोगों को वो ग्रुप दिख जाएगा, वो भी अभी हायरिंग पे कर रहा है अब्रोड से या फिर माल्टा से, इन सभी जगह आप ट्राई कर सकते हो। इन सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो आप गूगल पे इन सब की वेबसाइट डालोगे और वेबसाइट डालने के बाद जो भी आपको पोजीशन आपके अकॉर्डिंग दिखेगी आप उस पर अप्लाई कर सकते हो। तो ये कुछ 6-7 ग्रुप मैंने आप लोगों को बताए हैं जो कि अभी हायर कर रहे हैं माल्टा में, आप लोग इनके थ्रू माल्टा में आ सकते हो। और जो मैंने आप लोगों को पहले बताया WFDM, इनका मुझे पता है कि ये लोग चार्ज करते हैं, तो बाकी जो ग्रुप्स हैं उनका मुझे इतना आइडिया नहीं है कि वो लोग कितना चार्ज करें, क्योंकि WFDM से मैं पर्सनली मिल के भी आया था। तो ठीक है, तो ये सारे ग्रुप मैंने आप लोगों को बता दिया, बाकी पूरा प्रोसेस भी मैंने आपको बता दिया। अगर आपको फिर भी कोई मतलब कोई रिक्वायरमेंट हो किसी चीज़ की, किसी चीज़ के बारे में पूछना है, तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो होप सो आप लोगों को वीडियो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में क्लिक चैनल सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।